गया में सरकार द्वारा अधिकारों से वंचित किए जाने के आंदोलन की रणनीति जनप्रतिनिधियों के द्वारा तैयार की गई है और इसी को लेकर रविवार को जिला परिषद के सभागार में जिले के सभी जिला परिषद वार्ड पार्षद मुखिया पंच और वार्ड सदस्य की एक बैठक हुई। बैठक में कमेटी का गठन किया गया। वहीं जनप्रतिनिधियों की महा बैठक में एक बड़ा मोर्चा तैयार किया गया है जिसका नाम त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर विकास अधिकार मंच दिया गया है और इस मंच के तले अब जिले के पंचायत नगर के प्रतिनिधि अपने अधिकारों को पाने को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। आवश्यकता पड़ गई। आज हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगर निकाय अधिकार मंच का गठन किया है। आप अभी पूछे कि क्यों बनाना पड़ गया। बनाने का कारण है कि दो साल से त्रिस्तरीय जिला परिषद स्थानीय मुखिया पंचायत समिति वार्ड सदस्य सरपंच पंच इन लोग का अधिकार से सरकार के द्वारा वंचित किया गया। आज हम लोग का दो साल चुनाव जिला परिषद स्थानीय त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का चुनाव हुआ है जो कि अभी भी विकास का गति जो है से बहुत धीमा चल रहा है। कहीं न कहीं इस पे सरकार की नज़र जो है हर तीन महीना पर पंचायती राज के कानून में संशोधन करते हुए विलुप्त करते जा रहे हैं। आज हमारे जिला परिषद में 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, अब अभी तक कोई विकास नहीं हो रहा है। फिर तीन महीना में आया है अभी कि त्रिस्तरीय जिला परिषद में तीन योजना एक कर्मचारी करेंगे और 46 वो हम लोग जिला परिषद हैं, एक जिला परिषद का 21 वो योजना है तो 7 कर्मचारी की जरूरत पड़ता है तो करीब 300 हो जाता है। 46 गुने 7 कीजिएगा तो ये सब रवैया है और इस सब रवैया के लिए हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि अधिकार मंच जो बना है नगर निकाय अधिकार मंच बना है उसका आज सर्वसम्मति से अध्यक्ष श्रीमती नैना जी जिला परिषद अध्यक्ष और संघ का भी अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन।